लखनऊ पुलिस ने मोबाइल फोन की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गोमती नगर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए लूट के 13 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपियों के ऊपर लखनऊ के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोपियों के पास से लूटे गए तकरीबन 13 मोबाइल फोन के साथ साथ एक चोरी की गई मोटरसाइकिल, लूटा गया महिला का पर्स और नकदी ये भी बरामद किए हैं। क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, जिस संबंध में सभी घटनाओं के संबंध में 392 अभियोग गोमतीनगर में पंजीकृत किया गया था और इस संबंध में हमारी गोमतीनगर और पूर्वी की क्राइम टीम लगातार भ्रमणशील थी और इन सब की पहचान करने की कोशिश कर रही थी। कल रात्रि में ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने में हमारी टीम ने सफलता प्राप्त की है। ये पूरा एक गैंग है जिसमें 4 लोग हैं। इसमें मोनू रावत, जिसके ऊपर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है, वो भी इस गैंग का सरगना है। उसके ऊपर पूर्व से 2 अभियोग पंजीकृत थे। जब इनसे गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने युवती खंड और गोमती नगर थाना क्षेत्र के मध्य में ऐसी कई घटनाओं के बारे में अपनी बातें कबूली की, जहाँ से राह चलने वाले लोगों से मोबाइल वगैरह छीनना और पर्स छीनना इन्होंने कबूला है। जानकारी करने पर ये पता चला कि इस संबंध में लगभग 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। तो आज इन 4 गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इन 6 मुकदमों का अनावरण किया जा रहा है। इनके पास से एक स्प्लेंडर बाइक भी मिली है जो चोरी की है। ये जो भी मोबाइल छीनते थे वो आसपास काम करने वाले जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको औने पौने दामों में बेच देते थे। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ये इस प्रकार की घटना ना